नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कल की 2898 AD के बारे में। और यहाँ पर हमें अश्वत्थामा कौन है वो बताया गया था। अब पहले वाली वीडियो में लोगों ने गेस तो कर ही लिया था, मतलब कि बहुत पहले जब ट्रेलर आया था तो लोगों ने गेस कर लिया था कि ये अमिताभ बच्चन है। लेकिन अब एक्चुअली ऑफिशियल बता दिया गया है कि अश्वत्थामा है अमिताभ बच्चन, वरना पहले लोगों को लग रहा था कि कोई व्यास ऋषि होगा, द्रोणाचार्य या फिर ऐसा कुछ, बट ऐसा नहीं है, अश्वत्थामा है। वो खुद बोलता भी है, मैं द्रोणाचार्य का पुत्र हूँ अश्वत्थामा। और ये देखने में ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप देखोगे तो ये जब शुरू होता है ना, तो वो जो लड़का आता है वो बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज बोलता है। पहले इंग्लिश बोलता है, फिर तेलुगु बोलता है, तमिल बोलता है, फिर हिंदी बोलता है। तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। और अश्वत्थामा फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है, अमिताभ बच्चन का थोड़ा ग्लिम्स भी दिखाया जाता है, पहले वाला जिसमें उसे डी एज करके दिखाया गया है जब उसके सर में मणि थी। और वो जो मणि क्या है, उसका रिलेशन क्या है, जिसने महाभारत देखी होगी या पढ़ी होगी उसे पता होगा। लेकिन अगर आपको नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में वो भी बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं बताया तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि क्या स्टोरी थी लास्ट में अश्वत्थामा के साथ, लास्ट में महाभारत में क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कल की फिल्म का कि उसके साथ क्या है, वो है क्या। तो देखो, कल की 2898 AD एक अपकमिंग 2024 की इंडियन एपिक साइंस फिक्शन डिस्टोपियन फिल्म है। इसकी जो को रिटन और डायरेक्टर हैं वो नाग अश्विन हैं, और इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं सी अश्विन दत्त अंडर वेजंती मूवीज। और जो फिल्म है वो प्रोड्यूस की जा रही है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, और इसे साइमल्टेनियसली तेलुगु और हिंदी में भी शूट किया जा रहा है। मतलब ये तेलुगु में तो हो ही रही है शूट, लेकिन साथ में हिंदी में भी होगी, मतलब कि दो बार शूटिंग होगी इसकी। तो भाई बहुत बड़ी बात है ये भी। और हाँ, साथ में इंस्पायर्ड भी है हमारे हिंदू कल्चर से, और फिल्म सेट है पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में, जो कि है 2898 AD, तभी इस फिल्म का नाम भी यही है। और इसमें जो स्टार हैं वो प्रभास हैं, जो कि लीड रोल करेंगे साथ में अमिताभ बच्चन और कमल हसन और दीपिका पादुकोण के साथ। इस फिल्म की रिलीज डेट बताई जा रही है 9 मई 2024 को, और इसका बजट 600 करोड़ के आसपास है, और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है AA फिल्म्स। इसकी सिनेमेटोग्राफी है इसके पास, इसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, बट हाँ यही बंदा है। अब मैं बात कर लेता हूँ अश्वत्थामा की, कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था। तो चलिए अश्वत्थामा के बारे में बात कर लेते हैं। तो अश्वत्थामा बड़े पराक्रम में ऋषि माने जाते थे, उन्हें अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से एक मणि थी। कहते हैं कि उस मणि के कारण अश्वत्थामा देव, दानव, दैत्य, अस्त्र शस्त्र, व्याधि, नाग आदि से निर्भय रहते थे। उन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। युद्ध के अंत में कौरव पक्ष से अश्वत्थामा समेत केवल 3 महारथी बचे थे। आखिरी दिन रात्रि को छल पूर्वक पांडव शिविर में घुसकर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी, साथ ही पांडवों की बची सेना को भी मार डाला। उसके बाद अश्वत्थामा गंगा तट पर स्थित महर्षि वेदव्यास के आश्रम में चले गए। सुबह होने पर पांडवों को हत्याकांड के बारे में पता चला तो अश्वत्थामा को दंडित करने के लिए वे उसे ढूंढने लगे। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके पांडवों का वंश नष्ट कर दिया। इस पर पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसके माथे पर जो मणि थी वो भी ले ली। तब अश्वत्थामा के माथे पर घाव हो गया। ब्रह्म हत्या करने पर अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने भी श्राप दे दिया, जिसके कारण अश्वत्थामा का घाव कभी नहीं भरा। तब से अश्वत्थामा भटकते फिर रहे हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देते। लोग कहते हैं कि शिवरात्रि के अवसर पर वह दुर्गेश्वर नाथ मंदिर में आते हैं तो वहाँ घावों की दुर्गंध आने लगती है। और आई थिंक इस फिल्म में जो शॉट दिखाया गया है जिस मंदिर का, वो भी दुर्गेश्वर धाम मंदिर हो सकता है, मतलब इससे इंस्पायर्ड हो सकता है आई थिंक, मुझे नहीं पता। और साथ में ये भी हो सकता है कि वो जो मणि थी ना वो पहले थी, लेकिन उनके साथ ये सब हुआ और वो मणि निकाल दी। लेकिन अब अश्वत्थामा फिर से ये मणि अपने सर पे लगा लेते हैं, आप इस वाले शॉट में देख सकते हो। अब ये बात है क्या, इसने इस मणि कहाँ से मिली और इसने दोबारा कैसे लगा ली, शायद से किसी तरह से बता दिया जाएगा और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। बट अभी फिलहाल के लिए हम इतना जानते हैं कि अश्वत्थामा कल्कि का साथ देने वाला, मतलब प्रभास का साथ देने वाला है कल्कि अवतार के लिए, उस दशम अवतार के लिए, तभी वो अपनी गलती को माफी दे सकते हैं, मतलब कल्कि उनका उद्धार करेंगे ऐसा ही कुछ। और आपको जैसे मैंने अभी बताया कि वो जो मणि है वो बहुत ज्यादा पावर्स देती है अश्वत्थामा को, जिसमें वो देव, दानव, दैत्य, अस्त्र शस्त्र, व्याधि, नाग से निर्भय हो जाते हैं, मतलब उनसे उनका कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ सकता।
और साथ में यहाँ पर भी यही होगा कि यहाँ पर बहुत सारे दानव हैं और हाई टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स हैं, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला अश्वत्थामा को। तो देखते हैं क्या होता है इस फिल्म में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियोस के लिए। मैं चलता हूँ फिलहाल के लिए, धन्यवाद और जय श्री राम।